मैं देश का अकेला लाडला कवि हूँ जो विवाहित हूँ, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती भाई साहब। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद बाबूजी, एक अदद मेरे पास भी पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं। वाह भाई अखिलेश जिंदाबाद। भाई मैंने कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूँ जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है, जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, गोरा चिट्टा है, 58 किलो वजन का है, इंटर में पढ़ता है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाज करता हूँ, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। तो और भन आ गई भाई साहब मेरे ऊपर, कहने लगी देखो अब हमारा मुंह मत खोलवाओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो यहू ना होता। ये ऐसा होता है वो पढ़ने दे भाई साहब, आप लोग थोड़ा सा मन बनाइए। देखिए भाई साहब, मैं पत्नी का सताया हुआ, मैं अपने प्रधानमंत्री के नारी सशक्तिकरण के सख्त खिलाफ हूँ। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। एक चीज और देखिए, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। मैं कोई वीर रस का कवि तो हूँ नहीं कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहाँ से लाओगे। अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो ना दे। जोन पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे। और बताऊं सर, ये श्रृंगार रस के कवियों से भगवान बचाए। अभी श्रृंगार रस का कवि आएगा, कहेगा मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या। हाँ जियो भैया अखिलेश द्विवेदी। ये इसलिए मैं ओरिजिनल पोएट। एक बार हमसे कहने लगे वो तथाकथित वीर रस के सबसे बड़े देश के कवि हैं हरिओम पवार, सिरसा हरियाणा में, कहते हैं इस तरह की उच्चकई करके तुम लोग हाथ से पैदा करते हो, तुम लोग गली कूचे के कवि हो, मैं राष्ट्रीय कवि हूँ। हमने कहा हम भी राष्ट्र में रहते हैं, हम भी राष्ट्रीय कवि। तो कहा कि अगर तू अपने को राष्ट्रीय कवि समझता है तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ। मैंने कहा तू अंतर्राष्ट्रीय है, मैं ब्रह्मांडीय कवि हूँ। जिंदाबाद अखिलेश। और बता दें सर, मैं आपको सर बता दूं, मैं नारी जाति का जवान से तो सम्मान करता हूं, निष्ठा नहीं रखता। 3-4 महीने पहले सर मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया। मैं 3-4 रोज बाद अपनी पत्नी को लेकर उसके घर मुकाम देने गया, तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए।
तब मेरे दोस्त की बेवा ने कहा, कुछ नहीं बहन जी, सुबेरे उठे थे, एक कप चाय पिए थे, बाथरूम चले गए, जब बाथरूम से लौट के आए तो मुंह से खून फेंक कर मर गए, लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही दो चार चम्मच चाय की पत्ती दे दे। मैंने कहा, भाग्यवान ये तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा, चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल।